है। आजादी का अमृत महोत्सव आज हमारे पूरे भारतवर्ष में चारों तरफ, चाहे बड़ा शहर हो छोटा शहर हो, बड़ा नगर हो छोटा नगर हो, या गांव या छोटा सा कस्बा भी क्यों ना हो, पूरा हमारा भारतवर्ष चारों तरफ से क्या है, अभी अमृत महोत्सव की खुशियों में डूबा हुआ है, जश्न मनाया जा रहा है। जगह जगह तिरंगा यात्रा, तिरंगा का सम्मान, तिरंगा के लिए, राष्ट्र प्रेम के लिए, देशभक्ति के लिए लोग आगे आ रहे हैं। तो हमारा भी फर्ज है, हम भी जैन समाज के लोग इस महाड़ में एक अंग है, क्या है, अंग है, हम भी एक इस राष्ट्र के हिस्सा हैं। तो हम भी, हमारा दायित्व है, जिस तरह से एक संत प्रेरणा देते हैं कि अपना एक धर्म का कार्य करना चाहिए, उसी तरह से हम और भी प्रेरणा देना चाहते हैं कि राष्ट्र प्रेम भी हमें दिखाना चाहिए। क्योंकि एक देश के लिए सिपाही और संत, ये दो ऐसे होते हैं जो अपनी बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं। तो मैं चाहूंगा, प्रेरणा देना चाहूंगा कि आप लोग भी देश प्रेम की भावनाएं, सद्भावनाएं बढ़ाएं। कौन सी भावनाएं? सद्भावनाएं बढ़ाएं, अच्छे विचार बढ़ाएं, सदाचार जीवन अपनाएं, और इनसे ही व्यक्ति का जीवन क्या होता है, महान बनता है और आदर्शमय बनता है और अनुकरणीय बनता है। ध्यान रखना, हमारा जीवन कैसा बनाना है, अनुकरणीय। तो आपकी क्या तैयारी है? आजादी का अमृत महोत्सव यानी 75वीं वर्षगांठ, 75 सेलिब्रेशन, देश आजाद हुआ, क्या हुआ था 15 अगस्त को, हाँ देश आजाद हुआ था। मैं आपसे पूछूं, जिस तरह से पिंजरे में पंछी होता है, कितना भी अच्छा उसे खिलाओ, अशोक भाई उसे अच्छी अच्छी चीजें खिलाओ, उसको जो प्रसन्न है वो सब कुछ खिलाओ, अच्छे पकवान माल मिष्ठान सब खिलाओ, और उसके खिलाने के बाद में भी उस पंछी को, उस तोते से पूछो कि भैया तुझे तो पिंजरे में अच्छा लग रहा होगा ना, हाँ देखो सोने का पिंजरा है, अच्छा अच्छा खिला रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है, तीनों टाइम तुम्हारा ध्यान देते हैं, तो भी वह कहेगा कि मुझे पिंजरा पसंद, चाहे सोने का भी है लेकिन पिंजरा पसंद। आजादी तो हर किसी को चाहिए, पसंद होती है। तो मैं आपका ध्यान देना चाहूंगा कि देश की आजादी में हमारे जैन शौर्य पुरुषों का भी बहुत बड़ा बलिदान है। अभी आए दिन आप देख रहे होंगे व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर, ऐसे ऐसे जैन महानुभाव के नाम उभर उभर कर आ रहे हैं जिन्होंने देश की आजादी में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। ऐसा नहीं है, ठीक है, काम कभी कभी कोई और करता है और जस किसी और को भी मिल जाया करता है। इमारत तो बनाते कौन है बोलो, इमारत तो मजदूर के हाथ बनाते हैं, लेकिन इनोग्रेशन तो कुछ दूसरे हाथ ही कर बनाते हैं। इमारत तो मजदूर के हाथ बनाते हैं, लेकिन इनोग्रेशन तो कोई दूसरे हाथ ही कर जाते हैं। बात यह नहीं है, बात यह है कि कभी कभी करता कौन है और उसका श्रेय किसी और को मिलता है, लेकिन फिर भी जिनका पुरुषार्थ है, जिनकी मेहनत है, उनको बुलाया तो नहीं जा सकता है। ऐसे इस देश में बहुत सारे ऐसे महामना है, ऐसे गौरव पुरुष है, ऐसे शक्तिशाली पुरुष है जिन्होंने इस देश को आजाद करने के लिए, इस देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान दिया है। आज जब 15 अगस्त की बात निकलती है, जब देश आजादी की बात निकलती है, जब अमृत महोत्सव मनाने की बात निकलती है, जब देश के राष्ट्र प्रेम की भावनाएं बढ़ाने की बात होती है, तो मैं कहना चाहता हूं तिरंगा, अभी फोकस किसको किया जा रहा है, हाँ घर घर तिरंगा। मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि तिरंगे के तीन रंग देते तीन संदेश, तिरंगे के, तिरंगे में रंग कितने हैं, तिरंगे के तीन रंग देते तीन संदेश, भ्रष्टाचार मांसाहार और व्यसन मुक्त हो भारत देश, व्यसन मुक्त हो भारत देश। तो मैं चाहूंगा कि हमारे जो सरकार के लोग हैं, सिर्फ झंडा यात्रा, हर घर झंडा, झंडा वंदन, इसमें ही ना रहे, ये झंडे के जो रंग है और झंडे में जो लगा हुआ अशोक चक्र है, वो हमें क्या प्रेरणा देता है, उस प्रेरणा को भी आगे बढ़ाया जाए। अगर हम मानते हैं झंडे में सफेद रंग है, कौन सा रंग है, सफेद रंग है, तो सफेद रंग कौन सा प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। और इस देश में शांति कब रह सकती है, जब इस देश में आतंकवाद ना हो, कौन सा, टेररिज्म ना हो, आतंकवाद ना हो, तो शांति रहेगी, अमन चैन रहेगा,
सारे वर्ग खुश रहेंगे, 36 कौम के लोग आनंद से बिताएंगे, लेकिन जब इस देश में ऐसी घटनाएं होती रहेगी तो फिर ये हर घर झंडा का नारा लगाना सिर्फ नारा ही रह जाएगा, वही बातें हो जाएगी, छोटी बातें हो जाएगी, ऊपरी ऊपरी काम हो जाएगा। अगर इसे आदर्श नहीं बनाना है तो इस झंडे के साथ में जो रंग हमें प्रेरणा देते हैं उन प्रेरणा बिंदु तक भी पहुंचना चाहिए। तो चाहिए प्रशासन को, चाहिए उन अधिकारियों को, चाहिए उन राजनेताओं को और चाहिए हमारे इस देश की जनता को कि हम लोग उस शांति की अखंडता को बनाए रखे और उसमें हम क्या करें, अपना योगदान दे। दूसरा कलर कौन सा है? हाँ, केशरिया। केशरिया कलर क्या हमें प्रेरणा देता है बोलो? अगर सफेद रंग शांति की प्रेरणा देता है तो इस देश के कोने कोने में भी आतंकवाद नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, लूट खरोच नहीं होना चाहिए, तो लोग कैसे रहेंगे? शांति से रहेंगे। अगर लोग कितनी महंगाई बढ़ती रहेगी तो लोग शांति से नहीं रह सकते हैं। तो सिर्फ हर घर झंडा हो ही नहीं, हर घर झंडे की जो प्रेरणा हो वो कार्य भी सकारात्मक रूप में होना चाहिए। दूसरा कलर है हमारा केशरिया। केशरिया कलर क्या प्रेरणा देता है बोलो? हाँ, केशरिया कलर देता है तेज की प्रेरणा, तेज की प्रेरणा देता है। कौन सा तेज चाहिए? हाँ, घर में बैठे हो, घर में बैठ करके देश की हम प्रेरणा नहीं दे सकते, हमको तो देश के लिए कुछ करना चाहिए। चलो आपसे कोई पूछेगा कि भैया आपने घर परिवार के लिए क्या किया, तो आप तुरंत बताएंगे मैंने मकान बनाया, मैंने अच्छी गाड़ी की व्यवस्था की है, मैंने अच्छा बैंक में पूंजी जमा की है, घर की व्यवस्था, घर के लिए बहुत कुछ किया, दुकान के लिए बहुत कुछ किया, अपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया, देश के लिए क्या योगदान है आपका बोलो? कोई योगदान आपको नजर आता है? हाँ बोलो। हमारे महानुभाव बोल रहे महाराज साहब टैक्स हम ज्यादा भरते हैं, ठीक है टैक्स भरते भी हो टैक्स बचाते भी हो। हाँ, टैक्स भरते भी हो टैक्स बहुत बुद्धिमान लोग हो आप, चाहे कितने भी जीएसटी ये मोदी सरकार लेकर के आ जाए लेकिन उससे बचने के रास्ते पहले मिल जाएंगे आपको, ध्यान रखना रास्ते पहले मिल जाएंगे। अच्छे अच्छे अकाउंटेंट रखोगे, अच्छे अच्छे सीए को आप हायर कर लोगे, भैया मुझे ये काम करना है इसका रास्ता बताओ, उसको अच्छी फीस मिलेगी तो आपका साथ देगा। हम इस देश के लिए कुछ योगदान करें, अगर तेरे लगे तीन रंग हमें प्रेरणा देते हैं शांति की, भाईचारा की, प्रेम की, तेज की, ओज की और क्रांति की, तो हम उन सारी भावनाओं को बरकरार रखें, हम कहीं ना कहीं अपना कुछ योगदान दें। हम पूरे देश की गरीबी तो नहीं मिटा सकते, ये और संभव भी नहीं है। कितनी भी सरकार आ जाए, चाहे मोदी सरकार के बाद में कोई और भी सरकार आ जाए, कितने भी सत्ताधीश आ जाए, किंतु इस देश की गरीबी तो मिटा नहीं सकते। लेकिन हाँ, एक काम कर सकते हैं कि आप अपने नगर की भी गरीबी नहीं मिटा सकते लेकिन अपने मोहल्ले की तो गरीबी मिटा ही सकते हैं। अगर एक मोहल्ले में 10 संपन्न रहते हो और 90 भी संपन्न नहीं है तो वे 10 संपन्न मिलकर भी उन 90 लोगों की देखभाल तो कर सकते हैं, उनके घर में खुशी का चिराग तो जला सकते हैं। अगर ये प्रेरणा पूंज आपको अच्छा लगे तो इसे आगे बढ़ाइए, इसे आप आत्मसात कीजिए कि हम सबका तो कल्याण नहीं कर सकते लेकिन अपने नगर में अपने मोहल्ले में तो हम अच्छी भावनाएं भवित कर सकते हैं। हम हजारों लोगों तक अपनी सेवा नहीं दे सकते हैं लेकिन सीमित लोगों तक तो अपनी सेवा पहुंचा ही सकते हैं। हम सबका उपकार नहीं कर सकते हैं लेकिन हम थोड़े लोगों का तो उपकार कर ही सकते हैं। जब आप चाहते हो कि आपके ऊपर कोई उपकार करे, आपको कोई खुशियां दे, तो आप भी यही रिटर्न उनको दीजिए। क्या करना है, जब शादी में आते हैं ना तो आप लोग अच्छा सा गिफ्ट भी लेते हो और सामने वाले को अच्छा सा गिफ्ट भी वापस देते ही हो, रिटर्न गिफ्ट देते हो ना, अपने देते हो, देते ही हैं। तो बस आपको खुशियां मिलती है, आप खुशियां दीजिए, आप आपके ऊपर कोई उपकार करे उसी पत्र में से निकाल दे, आप सामने वाले पर भी यही कार्य कीजिए। बस अगर इतना भी हमने कर लिया तो शायद इस जीवन का ध्येय तो हमारा सिद्ध हो ही जाएगा। और कुछ लक्ष्य मिले ना मिले, कश्मीर चाहे मिले ना मिले, लेकिन हमारे जीवन में खुशियां जरूर मिल ही जाएगी। तो मैं यही प्रेरणा देना चाहूंगा कि अगर जीवन को प्रसन्नता से आगे बढ़ाना हो, प्रेम से हरा भरा रखना हो, खुशी से हरा भरा रखना हो, तो एक कांटों को जीवन में से निकालना सीखो। अगर एक